व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर टेक्नोलॉजी चैनल। एंड आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अप्रैल के मंथ में या तो अपकमिंग मंथ में आप कोई स्मार्टफोन परचेस करने के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें हम ऐसे कुछ स्मार्टफोन के बात करें जो अपकमिंग है, जो मे भी पॉसिबल कि वो अप्रैल में लॉन्च हो सकते हैं। कुछ स्मार्टफोन तो ऐसे हैं कि लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कुछ जो लल्लू पुल्लू है। तो सारे फोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इन्फॉर्मेटिव रहेगी। कुछ जो स्पेसिफिकेशन रहेंगे जो ऑफिशियल लीक्स है एंड कुछ उसके हिसाब से तैयार की गई है। तो आप ये वीडियो पूरा देना, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें फोन के बारे में इस फोन इंडस्ट्री में, तो में अभी हाल में जो वीवो ने टी सीरीज को लॉन्च किया था एंड टी सीरीज को इतना सपोर्ट दिया है कंज्यूमर ने, यूजर ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे टी सीरीज का बहुत अच्छा नाम है। तो मे बी पॉसिबल इधर वीवो T2 एंड T2X को लॉन्च कर सकती है अपकमिंग मंथ में, जहाँ पे T2X को अगर देखें तो वो भी आएगा डायमंड सिटी 1300 पे आ सकता है, 5G प्रोसेसर। एंड ये कुछ की स्पेसिफिकेशन दे दूंगा मैं आपको, आप रीड करते हैं। एंड साथ में ही हो सके तो T2 भी लॉन्च होगा एंड इसमें आपको तीन वेरियंट देखने मिल जाएंगे। जैसे कि फिलहाल वीवो ने पहले जो T1 सीरीज लॉन्च किए थे, T1 आया था, T1X आया था, T144 आया था, T1 Pro आया था, कि T1 में चार सीरीज आए थे, चारों सीरीज में अलग अलग वेरियंट थे। एक अच्छा खासा ऑप्शन मिल गया था कंज्यूमर को एक परचेस करने के लिए। तो जहां पे इधर भी दो चीजें कंफर्म किया गया है लीक्स में, कि इधर T2 आ सकता है एंड T2X, ये दो फोन कंफर्म है जो अप्रैल में आने वाले हैं, जहां पे इन दोनों में अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं 464, 128, 8128, जो कि अपने अपने स्पेसिफिकेशन आएंगे। दोनों की स्पेसिफिकेशन मैं आपको इधर T1 T2X के स्पेसिफिकेशन में देता हूँ एंड फिर इसके बाद आपको T2 के स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाएंगे। एंड फिर बात करते हैं इसी लाइन में जो अभी अपकमिंग है, जो बहुत टाइम से रूमर्स चल रहे हैं, Vivo X90 सीरीज पे। जहाँ पे Vivo X90 में इधर हाल ही में वीवो ने बहुत जगह पे इसके रूमर्स खोद दिए, इस पे कुछ काम चालू भी थे बीच में, जहाँ पे जाइस के लेंस देखने मिल जाते हैं हमें। तो इधर आपको देखने मिलता है Vivo X90 सीरीज, जहाँ पे X90 हो सकता है इसमें अप्रैल मंथ में मे बी लॉन्च हो सकता है। फिर बात करें तो X90 Pro भी आपको देखने मिल सकता है, जहाँ पे कैमरा सेटअप एंड जो भी इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही अमेजिंग है। ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको इधर साइड में शेयर कर दूंगा, आप प्रॉपरली देख लेना। जहाँ पे इसकी डिस्प्ले, कैमरा, फ्रंट कैमरा एंड चार्जिंग स्पीड सभी जो हाई रेटिंग पे है। एंड इसके बाद आ सकता है Vivo X90 Pro Plus, जो कि एक अपर वेरियंट होगा एंड बहुत ही फ्लेक्सी डिवाइस हो सकता है। एंड अगर बात करते हैं इधर, तो अभी फिलहाल वीवो के लाइन इतने सारे फोन है कि वीवो ही अपकमिंग मंथ में बहुत सारी डिवाइस आपको देखी जाएगी ये अप्रैल मंथ में। तो इधर बात करते हैं अभी इस नंबर पर आता है Vivo V27 से, जो देखा होगा आपने Vivo V27 अभी हाल ही में जो V27 एंड V27 Pro, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल फोन रहे अभी तक मार्केट में। एंड तो साथ में Vivo V27e जो क्वाइटली लॉन्च हो सकता है अप्रैल मंथ में, एंड मे बी ये भी आ सकता है मीडिया टेक HelioG99 पे, मे बी शायद 4G एक्सपेक्टेड। देखो भी क्या हो सकता है, मे बी स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट V27e आना ये तो कंफर्म है। कहते हैं फिर इस पे कि लेकिन जो X90 Pro Plus मार्केट में आने वाला है वो आएगा Snapdragon 8 Gen 2 के साथ, जहाँ पे 120Hz का डिस्प्ले रहता है और कैमरे में इसमें बहुत ही तगड़ा कैमरा दिया है, 50 MP +64 +50 +48 MP। तो देखते हैं जैसे मार्केट में तो यही स्पेसिफिक साथ है कि कुछ चेंजेस होते हैं, वो तो मार्केट में पता चलेगा हमें। एंड इधर अगर बात करते हैं सबसे जो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है OnePlus Nord 3, मे भी शायद आ सकता है Nord 3, क्योंकि एकदम मतलब वो तो पक्की वाला रूमर है कि Nord 3 लॉन्च हो सकता है अप्रैल में। एंड अभी रिसेंटली Nord 3 Lite का तो पोस्टर भी रिवील हो गया, तो Nord 3 Lite आपको देखने मिल जाएगा अपकमिंग मंथ में, कुछ 4th एंड 5th अप्रैल को लॉन्च होते मिल जाएगा Nord 3 Lite, जो कि Nord C3 Lite मिल जाता है आपको देखने के लिए। क्वालकॉम Snapdragon 695 5G प्रोसेसर पैनल है, 120Hz का डिस्प्ले होगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है हमें फोन में। एंड अराउंड ऑफ 25 to 27,000 के अंडर में ही आएगा, क्योंकि Nord C Lite वर्जन है, तो एक्सपेक्टेड जो इनके प्रीवियस फोन थे उसी रेंज की हम बात करें तो उसकी रेंज में ही आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो जो Nord 3 जो है कि इसका बेसब्री से इंतजार है लोगों को, और Nord C3 Lite इसका कंफर्म है कि आपको नेक्स्ट मंथ देखने मिल जाता है। एंड फिर अगर बात करें तो सैमसंग का जहाँ तक मार्केट है, एम सीरीज ने बहुत ही अच्छा खासा उनको आप मार्केट रेवेन्यू दिया है। तो इधर बहुत टाइम से एम सीरीज में कोई लॉन्चिंग नहीं हुआ, तो इधर हो सके तो मार्केट में भी सैमसंग के साथ Samsung Galaxy M54 5G, जो कि आ सकता है Exynos 1380 पे, जो कि ये भी फोन तगड़ा होने वाला है एंड एक्सपेक्टेड प्राइस 30,000 के अंडर है, बट देखते हैं कब ये मार्केट में लॉन्च होता है। बट अप्रैल में मे भी शायद हो सके तो Samsung M सीरीज को लाके अपनी मार्केट शेयर को थोड़ा ऊपर कर सकती है मिड रेंज में, क्योंकि इनके एम सीरीज में काफी दम वाले फोन होते हैं एंड लो रेंज में अच्छा खासा स्पेसिफिक देते हैं। एंड इधर ओप्पो का एक समझ गया, ओप्पो में बीच में जो Reno 8 आया था, फिर कुछ टाइम पे Reno 9 के रूमर्स आए थे बट वो कंफर्म भी नहीं है। बट इधर अभी पक्का वाला रूमर्स आ रहा है कि ओप्पो Reno 10 5G एंड 10 Pro 5G, ये दोनों आपको मिल सकते हैं अप्रैल में लॉन्च होते हुए, जहाँ पे जो Reno 10 आएगा 778 5G, जो कि
नथिंग वन है, प्रोसेसर यूज किया गया था सेम प्रोसेसर पे ये शायद ये निकाल सकते, बट लुक वाइज थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देखते हैं क्या क्वाड कैमरा सेटअप देंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो मेरे से बहुत ज्यादा है, कुछ 45,000 के रेंज में, तो रेनो 10 45,000 के रेंज में तो इनसुफिशिएंट नहीं रहेगा। बात करें इधर 10 प्रो की, तो 10 प्रो इधर है स्नैपडील 8 Gen 1 के साथ, जहाँ भी 8 Gen 2 पे सब चले तो 8 Gen 1 लेके आ रहे। देखते हैं ये तो एक्सपेक्टेड है, बट मे बी कंफर्म मॉडल लॉन्च होने वाले हैं, अब इसके स्पेसिफिकेशन क्या आते हैं उस टाइम पे वो उसके बाद ही पता चलेगा हमें। तो इधर रेनो 10 एंड रेनो 10 प्रो ये दो फोन आने वाले हैं ओप्पो में, एंड हो सके तो इधर हमें अप्रैल के मंथ में हो सके शायद 80% हमें Nothing 2 का भी देखने मिल जाए, Nothing 2 Nothing Phone 2 ये भी आ सकता है, जो कि आएगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 पे आने वाला है, एंड 120 Hz का डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा सेट। कैमरा सेट तो थोड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है, लुक थोड़ा आईफोन से सिमिलर इन्होंने किया है, iPhone 13 जो प्रो मैक्स के सीरीज होते हैं उनसे लुक थोड़ा सिमिलर रखा है इन्होंने, बट देखते हैं अगर लॉन्च होता है तो मे बी चांसेस कम है इनके प्रोडक्ट लॉन्च में। बट रिसेंटली इन्होंने जो भी एयरबड्स लॉन्च किया था नथिंग के, उसमें इन्होंने एक क्लू दिया था, इसके यहाँ पे अगर देखने जाए तो फिर बोल सकते हैं कि Nothing 2 में भी ये लॉन्च हो सकता है अभी, एंड देखते हैं किस प्राइस में आता है कब तक आता है। इसके बाद रियलमी के फ्लैक्सी बेस बहुत टाइम हो गया, रियलमी के फ्लैक्सी बेस अभी तक आई नहीं है, जहाँ पे बात करते हैं इसमें GT 3 5G ये आपको देखने मिल जाएगा अप्रैल में, जहाँ पे ये भी सेम 8 Plus Gen 1 पे आने वाला है, स्नैपड्रैगन पे 144 Hz का डिस्प्ले, क्योंकि GTA डिजाइन जहाँ पे फोकस पूरा होगा गेमिंग एंड प्रोसेसर पे, जहाँ पे आप गेमिंग के लिए हर एक चीज यूज कर सकते हो, तो मैं भी इसके 240 वॉट का चार्जर दिया है एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो देखते हैं किस प्राइस सेगमेंट में ये फोन आता है मैं अगले महीने, एंड इसमें और क्या कुछ नया देखने मिल जाता है। एंड बाकी रिसेंटली Xiaomi ने अपने 13 Pro से इसको लॉन्च किया था ऑनलाइन एंड ग्लोबली, और भी इंडिया में सेल भी चल रहा है, अच्छा खासा सेल हो रहा है, नो डाउट वो तो उनकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। बट इधर मार्केट में अभी मे बी आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाता है Xiaomi 13 5G, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 पे आएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस इधर 60,000 का है, बट अगर ये 50,000 के रेंज में अगर Xiaomi देता है तो एक वेल्थ रहेगा, और इसको यूजर परचेस करेंगे। कैमरा सेटअप इसे देखने जाए तो 50+10+12 MP कैमरा सेटअप दिया, फ्रंट 32 MP कैमरा है, 120 Hz का डिस्प्ले है, जो कि मे बी सुपर एमोलेड हो सकता है। बट Xiaomi के ये जो 13 सीरीज आए हैं बहुत दुपर अच्छे हैं, क्वालिटी से लिखा का जो कैमरा यूज किया है बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट रेंज थोड़ी इनकी हाई है। बट एक चीज मानना पड़ेगा, इनके जो रेंज हाई होते हैं बट ये कोई ना कोई ऑफर्स एंड कुछ कैशबैक चला के ये रेंज को मेंटेन कर लेते हैं, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है Xiaomi की अपने मार्केट को कैप्चर करने की। तो देखते हैं ये कुछ फोन थे, ऑलमोस्ट 14 फोन थे, 14 फोन जो कि अपकमिंग मंथ अप्रैल में आपको देखने मिल जाएंगे, एंड मे बी ओपन जी हो सकता है कुछ फोन में, तो अगर प्लानिंग कर रहे हो फोन लेने के लिए तो इस फोन को आप वेट करें, एंड जब ये फोन आए तो उसको प्रॉपरली डेमो लेके आप उसको परचेस कर सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आई, लाइक ना चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।